क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत पाफनुतियुस महान का पर्व मनाते हैं। उनका जीवन सरल एवं दूसरों की सेवा में रहा है। वह एक धर्माध्यक्ष थे और उन्होंने विशेष रूप से अपने आप को प्रभु के कार्यों में लगाए रखा। आज उनके इस पर्व के दिन हम प्रभु के सामने अपने आप को अर्पित करते हैं। उन्होंने संत अंतोनी की निगरानी में रेगिस्तान में जाकर प्रार्थना की एवं अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया। जब वे प्रार्थना में लीन रहते थे तब विशेष रूप से अपने आप को ईश्वर को अर्पित किया करते थे। संत पाफनुतियुस विशेष रूप से हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना किया करते हैं। जब वे अपने विश्वास को लोगों तक बांटते थे तब बैरी लोग उनसे घृणा करते थे और उन पर हमला किया गया। उनकी दाहिनी आँख फोड़ दी गई और उनका बायां पैर तोड़ दिया गया। जहाँ पर उनकी दाहिनी आँख गिरी थी वहाँ पर कई लोग जाकर उस जगह को वे चूमते हैं, उस जगह को वे पवित्र मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई चमत्कार होते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्या हम अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र मानते हैं? उन्होंने विशेष रूप से कई कार्य किए हैं और जो नाइन्सिया की जो काउंसिल थी उसमें उनका विशेष योगदान रहा है। आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने अर्पित करें कि हम भी संत पाफनुतियुस के समान बन सके और अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर सकें।